खंडवा लोकसभा उपचुनाव की हलचल प्रशासनिक विभागों में भी देखी जा रही है। लगातार प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को लेकर काम किया जा रहा है। इसी के चलते गुरुवार के दिन खंडवा लोकसभा के उपचुनाव के दौरान बागली विधानसभा के पुलिस थाना बागली अंतर्गत थाना प्रभारी सुनीता कटारा, तहसीलदार श्रीमती राधा महंत की उपस्थिति में CRPF बटालियन द्वारा चापड़ा बागली कमलापुर में फ्लैग मार्च निकाला गया। बागली तहसीलदार राधा महंत ने बताया कि उपचुनाव की प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चुनाव आयोग के नियम का पालन करते हुए CRPF बटालियन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। मार्च निकाला गया और क्या तैयारियां चल रही है, किसको लेकर निकाला गया है? लोकसभा इलेक्शन जो होना है उसको देखते हुए जो पुलिस फोर्स आया है सब फ्लैग मार्च मतलब बागली आपके चापड़ा और कमलापुर में निकाला जाए, इससे लोगों को समझ में आए मतलब कि इलेक्शन है और जो भी कुछ छोटे मोटे जो अपराध होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।